नमस्कार दोस्तों, मैं आज आप लोगों को ब्रेड पकौड़ा बनाने के लिए बताने जा रही हूँ, जिसके लिए मैंने लिया है 5 ब्रेड, आधा कटोरी बेसन, 1 मीडियम साइज का प्याज बारीक कटा हुआ, 1 छोटा चम्मच अदरक कद्दूकस किया हुआ, हरी मिर्च 1 बारीक कटा हुआ, धनिया पत्ता बारीक कटा हुआ, 1 बड़ा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद के अनुसार नमक, और ये मैंने आलू लिया है जिसे मैंने उबाल कर छील कर और मैश कर लिया है, और ये चाट मसाला। चलिए अब हम आलू को फ्राई करते हैं। मैंने एक पैन रखा है, उसमें तेल डाल दिया है और इसमें कद्दूकस के और लहसुन लहसुन डाल दिया। लहसुन को गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। अब इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज डाल के इसे चला लें। ये देखिए प्याज भूरा हो चुका है। अब इसमें हम आधा छोटा चम्मच करीब हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर और धनिया पाउडर डालकर इसे मिला लेंगे, हल्का फ्राई करके। और अब इसमें ये मैश किया हुआ आलू डाल दें। आलू डाल के इसे से मिला लें। देखिए मसाले में मैंने आलू को मिला दिया है। अब इसमें डालेंगे हम 1 कटा हुआ हरा मिर्च, धनिया पत्ता, कटी हुई धनिया पत्ता और थोड़ा सा चाट मसाला, और इन सारी चीजों को डाल के हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। नमक डाल के भी इसे हम मिला लेंगे। हम एक बड़ा सा बर्तन लेंगे, अब उसमें बेसन डाल देंगे। अब इसमें थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, इन सारी चीजों को डाल के हम मिला देंगे। इसे मिलाने के बाद इसमें थोड़ा सा नमक, नमक डाल के भी इसे मिला दें। अब इसमें हम धीरे धीरे करके थोड़ा पानी डालेंगे, एक अच्छा सा घोल बनाएंगे। ये देखिए घोल बन के तैयार हो चुका है। मैंने ब्रेड लिया है, इसे ऐसे बीच से ऐसे अलग करके ऐसे, अब इसमें बीच में हम ये आलू का मसाला रखेंगे। तरीके से आलू का मसाला रख के अभी से हम ऐसे ऊपर से दूसरे कट को रख देंगे, रख के अभी से हम साइड में रख देंगे। ऐसे ही सारे ब्रेड में मसाला रख देंगे। ये देखिए मैंने सारे ब्रेड में आलू का मसाला भर लिया है। मैंने गैस ऑन कर दिया है, उस पर एक पैन रख दिया है। पैन को अच्छे से गर्म हो जाने दें। पैन को गर्म होते ही अब इसमें हम रिफाइंड तेल डालेंगे। तो इस घोल में ब्रेड को ऐसे डाल के ऐसे मिला देंगे और इसे आराम से धीरे से तेल में डाल देंगे। तेल धीरे से डाल दें, डाल के अब इसे ब्राउन होने तक छोड़ दें। अब इसे पलट के दोनों तरफ से ऐसे ऐसे पलट दें। ये देखिए मैंने दोनों तरफ से ब्रेड पकौड़ा को पलट पलट के लाल कर लिया है, और अब हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए मेरा ब्रेड पकौड़ा बन के तैयार हो चुका है। अब इसे हम बादाम के चटनी के साथ सर्व करेंगे।